नमस्कार, मैं हूं नंदिता पांडे और इस एपिसोड में आपसे बात करने जा रहे हैं वार्षिक राशिफल 2020 के बारे में। 2020 आपका कैसा रहेगा टैरो के दृष्टिकोण से और साथ ही साथ आपके कुंडली के दृष्टिकोण से भी, दोनों से ही आपको बताएंगे। जब हम टैरो करेंगे तो पाश्चात्य सन साइन के हिसाब से अपना आकलन करें, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका कौन सा सन साइन पड़ता है, और अगर हम ज्योतिष करते हैं तो उस वक्त में आपने चंद्र राशि को देखना है और साथ ही साथ अपने लग्न राशि को। तो कुंडली में आपका चंद्रमा जिस नंबर के साथ होता है वो आपकी चंद्र राशि हो जाती है, यानी कि अगर एक नंबर के साथ चंद्रमा है तो आपकी राशि बन जाती है मेष, दो नंबर के साथ है तो वृषभ, तीन नंबर के साथ है तो मिथुन राशि, उसी तरह से 11 नंबर के साथ है तो कुंभ राशि, या 12 नंबर के साथ है तो मीन राशि। हम सारे ही राशि फलों के बारे में अलग अलग छोटे छोटे से एपिसोड्स बना रहे हैं ताकि आपके लिए अनुकूल रहे और रेमेडीज भी दे रहे हैं। आपको अगर हमसे कोई भी पर्सनल क्वेरी करनी है या फिर निजी आपने कोई भी प्रश्न पूछना है, आप हमारी वेबसाइट को लॉग इन कर सकते हैं www.nanditapandey.biz। मेरी वेबसाइट का एड्रेस है, वहां पे क्वेरी सेक्शन में आप जा करके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग्स भी होती हैं। व्हाट्सएप नंबर भी है 9312711293। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर के माध्यम से भी व्हाट्सएप में आप मैसेजेस भेजें तो हम आपको जवाब देते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। आप हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं वो यहाँ पे आपको बेल बटन दबाएंगे तो नोटिफिकेशंस उसके मिलते रहेंगे। तो ये एक जनरल वार्षिक राशिफलों की हम चर्चा कर रहे हैं और आपके लिए जैसे मैंने कहा टैरो और कुंडली दोनों से ही आपको बताएंगे। ग्रह गोचर की अगर बात करें तो 2020 में बहुत उत्तम गोचर स्थितियां बन रही हैं। गुरु का अपनी ही राशि में प्रवेश हो चुका है, धनु राशि में गुरु हैं, 11 जनवरी से उदय हो जाएंगे और साथ ही साथ शनि अपनी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की साढ़े साथी खत्म होगी, ढैया खत्म होगी, वहीं पे नए लोगों की शुरुआत होगी, लेकिन शनि जब भी अपनी राशि में होते हैं तो बहुत सारे नकारात्मक प्रभावों को समाप्त कर देते हैं। राहु केतु उचके रहेंगे इस वर्ष, वैसे भी पैदा होने वाले बच्चे अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी रहेंगे। फरवरी और मार्च जैसा मैंने कहा बहुत अनुकूल समय है, उसके बाद सितंबर अक्टूबर भी समय बहुत अनुकूल है, अप्रैल से लेकर के जून के मध्य में थोड़ा सा कष्टकारी समय हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति नीच के हो जाएंगे लेकिन नीच भंग योग भी बना रहे हैं। फिर 22 नवंबर को बृहस्पति वापस नीच के हो रहे हैं, मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं लेकिन नीच भंग योग के साथ। तो ये तो रहा ग्रहों का आकलन, देखें आपकी राशियों में इन सबका क्या प्रभाव पड़ता है। मकर राशि वालों के लिए कैसी रहेंगी स्थितियां? टैरो से देखें तो आपके लिए प्रेम संबंध बहुत मधुर रहेंगे, अपने नाते रिश्तेदारों के साथ, करीबी लोगों के साथ और अपने लव मेट के साथ बहुत सुंदर समय आप गुजारते दिखाई देते हैं। पूरा वर्ष अत्यंत अनुकूल स्थितियां लेके आएगा, समय रोमांटिक बीतेगा। कार्य क्षेत्र की बात करें तो जिद में आके किसी भी बात में अटके नहीं, अन्यथा आप परेशानी में आ सकते हैं। यही कुछ स्थितियां आपके आर्थिक मामलों में भी दिखाई देती है, व्यय अधिक हो सकते हैं, आपको संभल के इस वर्ष चलना चाहिए। इस वर्ष की गई यात्राएं आपके लिए अत्यंत अनुकूल स्थितियां लेकर के आएंगी, बहुत अच्छे यश मान सम्मान की स्थितियां भी बना सकती हैं, विदेश में या विदेशियों के द्वारा भी आपके लिए उत्तम स्थितियां बनेंगी, विदेश गमन शुभ संयोग आपके लिए बनाएगा। परिवार की हम बात करें तो परिवार में सुकून रहेगा, धीरे धीरे स्थितियां अनुकूल होती जाएंगी, बहुत शुभ समय में आप जाते जा रहे हैं, लेकिन सेहत की तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, सेहत में कुछ कष्ट आपके लिए हो सकते हैं। अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें क्योंकि कुछ भी अचानक से कटु वाणी बोलेंगे तो वो आपके लिए भी कष्टदायक है और आपके अपने संगी साथियों के लिए भी काफी कष्टदायक स्थितियां बनाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको संयम बरतना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए ज्योतिष गणना के हिसाब से आपकी साढ़े साथी मध्य भाग में जाएगी, मध्य भाग की साढ़े साथी आपके लिए कष्टकारी हो सकती है लेकिन शनि का अपने ही राशि में परिवर्तन बहुत ज्यादा कष्टमय स्थितियां मकर राशि वालों के लिए नहीं बनाता है, कुछ खट्टे से और कुछ मीठे से अनुभव लेके आता है। हालांकि गुरु का जो 12वें भाव में गोचर चल रहा है वो जरूर आपके लिए थोड़ा सा
वैचारिक मतभेद क्रिएट कर सकता है या आपका रुझान धर्म कर्म के कार्यों में अधिक रहेगा, किसी गुरु को भी साधेंगे या अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि काफी अधिक बढ़ती जाएगी। लेकिन आपको थोड़ा सा अपने खान पान पे ध्यान देना चाहिए, सेहत से संबंधित कष्ट हो सकते हैं, बदहजमी आदि से भी आप परेशान हो सकते हैं, आंतरिक कंफ्यूजन थोड़ा सा बढ़ रहेगा जिस वजह से किसी भी निर्णय पे पहुंचने में समय लगाएंगे, कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे करके सुधार आपके लिए आता जाएगा और साथ ही साथ कोर्ट कचहरी के मामले अगर हैं तो उसमें अवश्य आप विजय प्राप्त करेंगे। घर में साज सज्जा आप भी कर सकते हैं, कुछ नया फर्नीचर आदि भी खरीद सकते हैं, लेकिन जितना भी एक गूढ़ दृष्टि से कोई भी चीजों को करना, प्लानिंग के साथ काम करना, ये आपका एक विशेष यहाँ पे एक क्वालिटी बनकर के सामने उभर के सामने आ रही है जो आपके लिए बहुत अधिक फायदे भी लेकर के आएगी। मकर राशि वालों के लिए कुछ खट्टे कुछ मीठे से अनुभव पूरे वर्ष भर में रहेंगे। मकर राशि वालों को भगवान विष्णु को 7 बादाम हर गुरुवार भोग में अर्पित करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नामावली को इस वर्ष आप पढ़ेंगे तो बहुत सुखद अनुभव रहेंगे, तो साथ ही साथ बदलाव आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव होने शुरू हो जाएंगे। तो ये तो था राशिफल, आपका टैरो के दृष्टिकोण से, ज्योतिष के माध्यम से भी हमने बताने की कोशिश की, उपाय भी बताने की कोशिश की। आपका पूरा वर्ष बहुत शुभ रहे, बहुत अच्छी स्थितियों में आप जाए हमारी प्रार्थना रहेगी। और साथ ही साथ नीचे लिखे हुए स्क्रॉल में नंबर्स आ रहे हैं, मेरी वेबसाइट का एड्रेस भी आ रहा है, उसमें टिक करना ना भूलें। नीचे अगर आपके प्रश्न हैं तो उनका उत्तर आपको मिल सकता है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप। साथ में इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको इसी तरह के सेलेस्टियल अपडेट्स जो भी आते रहते हैं हम उनके बारे में बताते रहें। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत, आपका वर्ष शुभ रहे, मेरी यही प्रार्थना रहेगी। गुरुदेव, गुरु का गोचर, शनि का गोचर, राहु केतु सभी आपके ऊपर प्रेम भरी वर्षा करें, प्रेम भरे दृष्टिकोण से आपको देखें, आपकी लाइफ में उन्नति लेकर के आए, शुभ लेकर आए, सुख समृद्धि लेकर आए। नमस्कार, आत्मा नमस्ते।